भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने फरीदाबाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बोर्ड की जेई और एलडीसी को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बिजली छापे में एक सेटलमेंट करने की एवज में दोनों अधिकारियों ने 1,00,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल बडौली चंदेला गांव से सचिन चंदेला ने शिकायत दी थी कि उनके घर पर 18 अगस्त को बिजली बोर्ड के जेई बिजली का छापा मारने पहुंचे थे और बिजली चोरी पकड़ी गई थी, जिसके बाद इसके रजिस्ट्री उन्होंने सरकारी रजिस्टर में ना करके सचिन चंदेला यानी कि शिकायतकर्ता से 1,00,000 रुपए रिश्वत मांगी। जब उन्होंने इतने रुपए देने में असमर्थता दिखाई तो फिर बात 50,000 रुपए पर आ गई और फिर सचिन चंदेला से 40,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए गए, जिसके बाद 40,000 के साथ बिजली बोर्ड के जेई और एलडीसी को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिनका मेडिकल आज सिविल अस्पताल में पूरा हुआ और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, इसमें जेई साहब मेरे पास आए थे और इन्होंने मेरे से 1,00,000 रुपए की डिमांड की थी और मेरे से बोला कि मैं तेरे को बिजली चोरी में फंसा दूंगा जबरदस्ती अगर तूने 1,00,000 रुपए नहीं दिए तो। तो मैंने इनसे बोला कि सर मेरे पास 1,00,000 रुपए नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरा नंबर ले ले, मेरे से कल बात करियो तू। फिर मैंने उनका फोन आया जन्माष्टमी वाले दिन 10:30 बजे के आसपास, 10-10:30 बजे। तो उन्होंने बोला कि बीच का आदमी एक जिले सिंह, उससे मिल और उससे बात कर, पैसे वही लेके आएगा तेरे से उठा के। तो मैंने उनसे मिला तो जिले सिंह ने मेरे से सेटलमेंट के नाम पे बोले कि ठीक है मैं बात करता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, फिर 50,000 रुपए में आ गए वो। 50,000 रुपए में मानने के बाद फिर मैंने और रिक्वेस्ट की तो 40,000 रुपए में हमारा डन हुआ। आप कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं बडौली चंदेला। बडौली गांव चंदेला के अंदर पहले भी बिजली बोर्ड ने कोई इस तरीके से कोई कारनामा पहले भी पेश किया है? पहले भी शिकायतें हैं इनकी। एक अपना चाचा का लड़का लगता है हमारा रिलेशन में, उससे भी इन्होंने 1,00,000 रुपए वसूले। ये काम तो ये तो इनके कम से कम 2-2.5 लाख रुपए मंथली है जय साहब के हमारे गांव से। आपसे भी कोई मंथली की बात? हाँ, मेरे से मंथली की बोली थी, 5,000 रुपए महीना बोला था मेरे से। मैंने मना का किया तो मेरे से बोले कि तेरे को फंसा दूंगा, देख ले सोच समझ के बात करियो। और मेरे से ये बोले कि तू मेरे को हल्के में ले रहा। पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के बाद भी इस तरह की रिश्वत की खबरें सामने आना और अधिकारियों का आम जनता से काम के एवज में रिश्वत मांगना किसी भी सूरत में ठीक नहीं। हम अपने माध्यम से प्रदेश की से अपील करते हैं कि किसी भी अधिकारी को रिश्वत ना दें और अगर कोई आपसे रिश्वत की डिमांड करता है तो शिकायत अधिकारियों को दें ताकि कड़ी कार्रवाई रिश्वत खोर अधिकारी पर हो पाना संभव हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। बल्लभगढ़ से अमित चौधरी, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।